आइए नंबर सिस्टम पर चलते हैं। कंपटीशन में भी संख्या पद्धति से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, इसको सॉल्व करके बताना है सर। हम क्या देख रहे हैं, ये पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन है। ये पार्ट जब दोनों में कॉमन है तो आप क्या करिए, इस पार्ट को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इस पार्ट को आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 7 8 6 प्लस, इस पार्ट को जब कॉमन ही ले लिए तो कितना बचेगा, 2 1 4, ठीक है। तो 6 7 8 4 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 6 और 2 1 4 को जब ऐड करेंगे, ठीक है, 1000 होगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 8 4 1 2 3, योर आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, पहले तो इस दोनों में देखते हैं कॉमन पार्ट किया है, कॉमन पार्ट कितना है, ये दोनों कॉमन पार्ट है। तो जब जो कॉमन है उसको आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब कॉमन आप ले लीजिएगा तो इससे आप जब ये दोनों से आप ये दोनों जब इस पार्ट को कॉमन लिए कितना बचेगा, 9 7 4, जब इसको आप कॉमन लिए कितना बचेगा, 8 7 4, राइट। और 8 7 6 5 इंटू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 7 4 को 8 7 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 100 100 बचेगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा, राइट राइट डाउन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मल्टीप्लाई क्या है, 1509 मल्टीप्लाई 1509, ठीक है। आपने इसको इतना लिख सकते हैं क्या, 1500 प्लस 9 लिख सकते हैं क्या, इस पार्ट को और मल्टीप्लाई इस पार्ट को आप लिख सकते हैं, 1500 प्लस 9 इस पार्ट को लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ए, इसको बी, इसको ए और इसको बी, तो कह सकते हैं क्या ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं इस तरीका से, क्या लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये a हो गया और ये b हो गया, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर, ठीक। a का क्या वैल्यू माने हैं, 1500, b को 9, इसको लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और उसके बाद b, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 प्लस, अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो 27000, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा और 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होगा, 270 पे कितना जीरो, 20, ठीक है। अब ये सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करते हैं 225 1 2 3 4, फिर 8 1 1 2 3 2 7, ठीक है, ऐड करिए, 1 हो जाएगा 8 0 7 7 2 2, राइट। तो सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 8 1, राइट डाउन। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, 2000 माइनस 6, और इसको भी लिख सकते हैं 2000 माइनस 6। तो इसको आप a मानिएगा, इसको आप b मानिएगा, इसको a, इसको b, a माइनस b और a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b, तो कितना हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का पहले सूत्र देख लेते हैं कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
इसको लिख सकते हैं आप 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आपने इसको क्या माना है a, इसको क्या माना है b, तो पहले क्या होता है a स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको 2000 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2 a और b, तो कितना हो जाएगा 4, और 3 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 जीरो, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 6 जा 24, 1 2 3, अब इसको जब ऐड करेंगे ये दोनों को कितना हो जाएगा 36 माइनस 24 0 0 0, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है 4 0 0 0 0 36 0 0 0 2 4, तो कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, बचेगा 9 और ये बचेगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 3 9 7 6 0 3 6, ठीक है राइट डाउन।